नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के संतपुरा रोड पर ओवरब्रिज के नजदीक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑटो में हुई जबरदस्त टक्कर, दो की मौत, तीन घायल। अमृतसर की रामनगर कॉलोनी में लूट की नीयत से आए चार व्यक्तियों ने एक नौजवान पर चलाई गोली, हुई मौत। कुराली के नजदीकी गांव नंगल सिंगा में एक कलयुगी बाप ने घरेलू कलह के चलते अपने दो बच्चों को दिया जहर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के संतपुरा रोड पर ओवरब्रिज के नजदीक गत रात्रि तेज रफ्तारी के कारण एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस कारण दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल और ऑटो के परकच्छे तक उड़ गए और ऑटो कई पलटबाजियां खा गया। वही घटना की सूचना मिलते ही नौजवान वेलफेयर सोसाइटी की चार टीमें मौके पर पहुंच गई और मृतकों व घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सोसाइटी के प्रधान सोनू महेश्वरी ने बताया कि मृतकों की पहचान अजीत कुमार और अनिल कुमार निवासी जनता नगर के तौर पर हुई है, जबकि घायलों की पहचान एसके शंकर निवासी एनएफ टाउनशिप के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि संबंधित थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात संतपुरा रोड के उत्ते ओवरब्रिज के नेड़े जिथे पुलिस वालों के सड़क के उत्ते बैरीकेड्स लगे हुए थे, उत्थे एक तेज़ रफ्तार आटो तो बहुत ही तेज़ रफ्तार बाइक की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर एड्डी जोरदार सी कि जेडे बाइक सीगे वो परखच्चे उड़ गए तो आटो सीगा जो कई पलटियां खाते हुए रेलवे लाइन तक पहुँच गया। हादसे के जेडे बाइक वाले सीगे वो मौके के उत्ते लहू लुहान हो गए, उन्होंने सिर के उपरले हिस्से खुल गए, लत्तां बाहां टुट गईआं। तो जेडे आटो वाले सीगे दो सवारियां वह भी गंभीर रूप नाल जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलन ते साडी नौजवान वेलफेयर सोसाइटी की चार एंबूलेंस टीमां मौके ते पहुंचीआं ते सारयां नूं जिहड़ा तुरंत सिविल हस्पताल पहुँचाया गया, जिथे दो बाइक सवारां नूं मौके दे उत्ते उन्होंने हस्पताल दे विच चैकिंग तों बाद उन्होंने उन्होंने डैड घोषित करता, मृतक घोषित करता। जिहड़े जख्मी होए आ उन्हां दी पहचान अभिषेक पुत्र एसके शंकर ते एसके शंकर पुत्र चिंकू प्रसाद जिहड़े कि एनएफएल दे विच रहण वाले सी उन्हां दे वजो होई है। ये दिल्ली तों आए सी ते बठिंडा तों आटो करके ये एनएफएल वल जा रहे सीगे ते जिहड़े बाइक वाले आ वो रेलवे स्टेशन वल नूं जा रहे सी। उन्हां दी पहचान जिहड़े मरे हैगे आ रणजीत कुमार 24 साल ते अनिल कुमार 26 साल जिहड़े कि दोनों जनता नगर दे रहण वाले सी। जख्मियों के कोलों लैपटॉप जख्मी ते सॉरी फटड़ा के कोलों दोनों को लैपटॉप मोबाइल ते कुछ बैग वगैरह इत्यादि बरामद हुए सी जिहड़े साडी संस्था वल्लों उन्हां दे जदों वारस आए उन्हां दे हवाले कर दे। अमृतसर में दिन प्रतिदिन गोली चलने की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया है अमृतसर की रामनगर कॉलोनी में, जहां लूट की नीयत से आए चार व्यक्तियों ने एक नौजवान को गोली मार दी, जिसके अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना इस्लामाबाद के SHO मोहित कुमार ने बताया कि वे इस मामले की बारीकी से जाँच कर रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को काबू कर उन पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सानू एक इन्फॉर्मेशन आई है कि अपने रामनगर कॉलोनी दे विच एक इंसीडेंस होया जिहदे विच कि अननोन बंदे जिहड़े आ सौरव सोडी है उन्हूं गोली मार गए ने। असीं मौके ते आए हैं, मौका देख रहे हैं। सर की मामला की है? हाले असीं आए हैं जी मौके ते, मौका देख के फिर क्लीयर होएगा भी एक्चुअल दे विच होया की है जी। की मसला सी सर, कोई झगड़ा होया इन्हां दा कि की? देखो हाले फिलहाल तो ना सानू किसी ने कोई प्रॉपरली स्टेटमेंट दी है, जो भी स्टेटमेंट सानू आई विटनेस देंगे उसके मुताबिक असीं कार्रवाई करेंगे। कुराली के नज़दीकी गांव नंगल सिंगा के एक कलयुगी बाप ने घरेलू कलह के चलते अपने दो बच्चों को जहर दे दिया, जिस कारण 12 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई जबकि 14 वर्षीय लड़का अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आरोपी कुलविंदर सिंह की पत्नी ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उसके पति ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर जबरदस्ती उसके बच्चों को पिला दिया, जिस कारण उसकी बेटी की मौत हो गई और उसका बेटा अस्पताल में दाखिल है। तो वहीं
पुलिस ने पिंकी देवी के बयानों के आधार पर आरोपी कुलविंदर सिंह के खिलाफ धारा 302 और धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कुराली से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। नगड़ सिंह का तो रहना आ रही है, एक घर आ रहा कुलविंदर सिंह की मसला की होया थाने आए उन्होंने मार कुट करके मेरे पर इल्जाम लांदे तुसी गलता ते उन्होंने मन मारया भी आ न्याणे ने जहर भी दिता मन भी बुलाने की कोशिश करी है। किने कुलविंदर सिंह ने जी घर वाले ने ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਮੈਂ
ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ 12 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਰਾਊਡ ਡੈਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਇਹਦੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में सुबह 6:30 बजे के करीब एक और जोरदार धमाका हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी सेंट्रल डॉक्टर मेहताब सिंह ने बताया कि धमाके का क्या कारण है इसकी जांच अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम अभी अमृतसर में ही है, वे इसकी जाँच कर रही है। वे इस धमाके में एक व्यक्ति मामूली घायल हो गया, जिसका इलाज करवाकर उसे भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस धमाके की वजह से वहां खड़ी एक गाड़ी के शीशे भी टूट गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अही जुड़ी रहे ना साडा ही मुलाजम झाड़ू मार दिया है, ते अही 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 चाय पीण दे, मैं अपना मुलाजम लेना, मैं लगता इंचार्ज हां। अच्छा जी, ते जो देखिया ते बड़ा धुआं निकलिया वा, बकराग थोड़ा नहीं है, बस साडा ही आया वा, पर धुआं धुआं हो गया, फिर अही अही भज गए, अही भज गया। चीज कोई नही, खराब हो लागे बाजी होने सारी संगत रंगा लागे होने बंदे उठाने बंदे थोड़ा ही जब धमाका हो गया। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 7:15 ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੀਸਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਧੂੰਆਂ, ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਧੂੰਆਂ, ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मुहिम चलाई हुई है। इसी को लेकर मेडिकल नशे के खिलाफ एक गुप्त सूचना के आधार पर संगरूर पुलिस ने संगरूर स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर संगरूर के कृष्णपुरा नजदीक एक मेडिकल स्टोर पर कई घंटे छापेमारी की, जिसके बाद वहां से 22,000 से ज्यादा नशीली गोलियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए संगरूर के SP बलविंदर सिंह चीमा ने बताया कि उन्हें इस संबंधी सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने संगरूर स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लिया, क्योंकि मेडिकल स्टोर पर कौन सी मेडिसिन लीगल है और कौन सी इलीगल ये स्वास्थ्य विभाग ही बता सकता है। इस दौरान 22,000 से ज्यादा नशीली गोलियां बरामद की गई, जिसके चलते उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक दुकान का मालिक है और दूसरा वहां पर काम करने वाला कर्मचारी, जो कि मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली गोलियों का कारोबार कर रहे थे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सर, एक काफी हैवी क्वांटिटी दे विच नशीलियां गोलियां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ 1000 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੌਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 22,800 ਗੋਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਕਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਅਤੇ ਐਸ ਓ ਪੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਰੂਫ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਲੌਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਫ਼ਾ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਵਿਦਯੁਤ ਜਾਮਵਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਸਰਬੱਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਵੇ ਆਪਣੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਬੀ 71 ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਮੇਂ ਥੇ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਮੇਂ ਜੋ ਆਦਮਪੁਰ ਮੇਂ ਐਫੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮ ਪੋਸਟਡ ਥੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਥਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਜਾਏ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਇਸ ਨਈ ਪਿਕਚਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਕਿ ਫੌਜ ਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਕਚਰੇ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਦਮੀ ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋ ਆਜ ਤੱਕ ਬਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਪਿਕਚਰੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਐਫ ਬੀ ਆਈ, ਸੀ ਆਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਨ ਸਭ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ 71 ਮੇਂ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ ਥੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਮੇਂ ਹੋਏ ਦੋ ਧਮਾਕੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਜਾਂਚ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਲੋਗੋ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਯੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਯਾ ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਧਮਾਕੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕਾ ਏਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਉਨ੍ਹੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਭੀ ਟੀਮੇਂ ਇਸ ਕਾਮ ਮੇਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਕਿਸੀ ਬੜੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਰ ਡਿਵਾਈਸ ਕੇ ਸਾਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮੇਂ ਜੁਟੇ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੋਗੋ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਰਾਤੀ 11:30 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੂਡ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਅ ਡਿਵਾਈਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲਸ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਰੀ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੀ ਦੀ ਮਿਸਚਿਫ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਚਿਫ
या इट इज़ टेरर एंगल या किसी का परसनल एंगल है। सो असी कोई भी एंगल रूल आउट नहीं करांगे, असी सारे एंगल्स तो डीपली इन्वेस्टिगेट करांगे। एक्सप्लोसिव्स आर वेरी क्रूडली मेड, वेरी क्रूडली असेंबल्ड, जिहड़ा जिहड़ी डिवाइस हैगी, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म कोई नहीं मिला है, डेटोनेटर कोई नहीं मिला है। सो इस दे नाल ही मैं दो तीन गल्लां जिहड़ियां कहांगा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है। तुसीं जिवें इत्थे खड़े हो, आवाजाही लोकां दी जिहड़ी हैगी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सो मैं लोगों को अश्योर करता है कि असी पीस हारमनी लॉ एंड ऑर्डर बना के रखांगे। नंबर दो, फेक र्यूमर्स दे विच फेक लोग कई बार लोग गलत गल्लां कहिंदे है, साडा फैक्ट चैक करो, साढ़े सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, असी ऑफिशियली रिलीज़ करांगे कि सानू मौके तो डेटोनेटर नहीं मिला। जदों कोई भी जड़ा हाई एक्सप्लोसिव होंदा उसनों डेटोनेट करन लई डेटोनेटर यूज़ करदे, जिहनूं ट्रिगरिंग मैकेनिज़म कहिंदे या ट्रिगरिंग डिवाइस कहिंदे। सो नो ट्रिगरिंग डिवाइस हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम द स्पॉट सो फार। सो इस तो इंज जापदा है, हुण स्पेकुलेटिव है, जे मैं यह कहता भी तुसीं यू विल लाइक टू पुट वर्ड्स इन टू माई माउथ कि पोटैशियम जड़ा वो क्लोरेट ते वो सल्फर होंदा है, सो मैं यह नहीं कहांगा बिकॉज वी आर नॉट श्योर, वी विल गो बाई द साइंटिफिक हुण It is although regulated है, but इस तरह के substances बहुत easily भी available है market के विच। फाजिलका के सीमावर्ती गांवों में किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह पहले से ही मुश्किलों से घिरे फाजिलका के सीमावर्ती गांव तेजा रुहेला में जीरो लाइंस के पास नदी के पार खेती कर रहे किसानों की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उनका गेहूं काटने जा रहा कंबाइन हार्वेस्टर नदी के बीच में ही फंस गया, जिससे यहां खेती कर रहे किसानों की गेहूं की खड़ी फसल काटने की उम्मीद ही खत्म हो गई। यहां पर खेती करते कुछ किसानों द्वारा कुछ दिन पहले बीएसएफ के अधिकारियों से उनकी फसल काटने से हो रही परेशानी का कोई समाधान निकालने का अनुरोध किया गया था। बीएसएफ के अधिकारियों के मना करने पर उन्होंने जिला प्रशासन से इसका समाधान निकालने की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद इन किसानों को अपनी फसल जल्द काटने की थोड़ी उम्मीद नजर आई। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के पास इसका कोई समाधान नहीं निकला, जिस कारण इनकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। कोई और उपाय ना सोचने पर विवश किसानों ने अपनी खड़ी गेहूं की फसल को काटने के लिए कंबाइन को लगभग 15 से 20 फीट गहरी नदी के बीच से ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस गहरी नदी से गुजरते वक्त कंबाइन नदी के बीच में फंस गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कंबाइन को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे, जिससे यहां के किसानों की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और रामबाग वृद्धाश्रम कमेटी फिरोजपुर छावनी की तरफ से रामबाग फिरोजपुर छावनी में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हड्डियों के माहिर डॉक्टर, आंखों के माहिर डॉक्टर और एमडी डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। वही कैंप में मरीजों को दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। इस दौरान आंखों के माहिर डॉक्टर विकास शुक्ला और हड्डियों के माहिर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने बताया कि यहां मरीजों को चेक किया गया, जिसमें अच्छी तादाद में लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया और जिनके ऑपरेशन होने वाले थे उनके ऑपरेशन भी निःशुल्क किए जाएंगे एवं उन्हें दवाइयां भी मुफ्त दी जाएंगी। यह कैंप अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और रामबाग वृद्धाश्रम कमेटी के सहयोग से लगाया गया है। इस मौके पर रामबाग वृद्धाश्रम कमेटी के प्रधान हरीश गोयल, नरेश गोयल, डॉक्टर विकास, डॉक्टर जितेंद्र कोचर, डॉक्टर निखिल गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज मैं जिहड़े भी हड्डियां दे जिन्हां दे कोई गोड्डियां च दिक्कत है, कोई हड्डियां जोड़ां च दिक्कत है, कोई शैटिका दी प्रॉब्लम है, स्पाइन दी प्रॉब्लम है, वो इत्थे चेक करदे पए। किन्ने क पेशेंट चेक कीते जी अज्ज? हले अप्रोक्सीमेटली 150-200 के करीब पेशेंट हो गए हैं। अग्रवाल समाज की तरफ से आज कैंप लगाया है फिरोजपुर में, अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से, जिसमें अभी 100 मरीजों का चेकअप किया जा चुका है और 20 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं ऑपरेशन के लिए, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन के बाद जो दवाइयाँ हैं कैंप के वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और अभी 1:30 बजे तक का समय है कैंप का, तो अभी और ज़्यादा मरीज भर्ती होने की संभावना है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर में भगवान लक्ष्मी नारायण धाम सेवा समिति जालंधर की कमेटी की तरफ से श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी के आशीर्वाद से प्रभु कृपा दुख निवारण 660वां समागम करवाया गया। एक दिवसीय
660वीं प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ आस्था का प्रमाण दे रही थी। हजारों की संख्या में मधुर भजनों पर झूम रहे श्रद्धालुओं के बीच परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के आते ही श्रद्धालुओं ने जय घोष के साथ उनका अभिनंदन किया। मंच पर पहुंचने से पहले परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार व विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में जाकर आशीर्वाद लिया। उनके मंदिर पहुंचने पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान शीतल विज, वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। मंच पर पहुंचने पर परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी ने कहा कि मां दुर्गा ही समूचे ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, वही ईश्वरों की ईश्वर और समस्त धर्मों को धारण करने वाली हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी माँ दुर्गा ने ही उत्पन्न किया है। निरंकार रूप में आदिशक्ति माँ दुर्गा सर्वत्र और सर्वव्यापी हैं। इस मौके पर महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान, लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी इंद्र इकबाल सिंह अटवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलदेव राज चावला, भाजपा नेता अजय चोपड़ा, भाजपा नेता अर्जुन त्रेहन, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के पंजाब प्रधान विपिन सब्रवाल, चेतन हांडा, श्री देवीतला मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, राजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.
ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹੋ ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਫੋਟੋ ਕਰ ਬਣੀ ਹਾਂ महाराणी का जो आज दरबार है देवी प्राप्ति में सीता जी की जय और आप सभी पदाधिकारियों ने कमेटी के सदस्यों ने जो इतना सुंदर भव्य मंदिर बना वो शायद दुनिया में पहली तरह का इतना महान मंदिर है और इसकी शक्ति ब्राह्मणों का यज्ञ हवन तप दान और जो आप इतनी लगन से मंदिर आपने बनाया है और इसकी जो शक्ति है वो इस संसार में और कहीं नहीं है। आप सबको कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। श्री देवी तालाब मंदिर में कृपा बरसिना ब्रह्म ऋषि की देवी तालाब मंदिर में कृपा बरसी ऋषि की कृपा बरसी मैया श्री देवी तालाब मंदिर में कृपा बरसी मैया की श्री देवी तालाब श्री देवी तालाब मंदिर में कृपा बरसे सतगुरु की श्री देवी तालाब मंदिर में कृपा बरसे सतगुरु की कमेटी के सदस्यगण सेवादार और समूह जलंधर निवासी आपका यहाँ आने पर हृदय से आभार व्यक्त करता है धन्यवाद व्यक्त करता है। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे ऐसी आशा करता है। एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े समुंदर बड़ी बड़ी नदियाँ अपनी पावर में मत में अपना रास्ता भटक जाती हैं और विनाश कर देती हैं। ये संतों में महापुरुषों में ऐसी एक पावर होती है जो उसको बांध के उसको सही दिशा दे देते हैं ताकि वो विनाश की बजाय कल्याण करे लोगों के काम आए। ऐसे हमारे ये सतगुरु जी महाराज हैं जो हमारी बुराइयों को हमारे बुरे कर्मों को रोक कर बांध कर हमको एक सत मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे महान पुरुषों को मैं इस माँ के दरबार में अपनी तरफ से शीतल जी की तरफ से और सभी प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इतने छोटे नोटिस पे इतने छोटे रिक्वेस्ट पे शीतल जी की आपने यहाँ जलंधर आने की कृपा की है। आपका हम देनिया नहीं दे सकते, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आप बहुत लेट हो चुके हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बार फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय माता दी। एक बार बोलिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भगवान वशिष्ठ के भगवान सुश्रुत के चरक के जब ग्रंथ दिखाए तो देखिए हैरान हो गए। और भगवान जिसे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा जो पिता है वो सुश्रुत है आयुर्वेद का सर्जरी का तो सर्जरी के जितने भी डॉक्टर है वो सुश्रुत को उसका पिता मानते हैं चरक को मानते हैं। तो ये जो अलोक है ये मंत्र बोलते क्यों नहीं ठीक होता, पहले ठीक हो जाते तब क्यों नहीं ठीक होते, इसका उत्कीलन है निष्कीलन है ऐसा होता है। गायत्री मंत्र बोलते हैं लाभ होगा लेकिन वैसा क्यों नहीं होता, राम राम बोलते हैं तो लाभ होता है वैसा क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या है। इस पर रिसर्च हुई वैज्ञानिक बोली और मैं भी चिकित्सक था, मैं भी इस चीज़ को नहीं मानता था कि मंत्रों से ठीक हो जाएगा या ऐसे ठीक हो जाएगा। जैसे आयुर्वेद के चिकित्सक थे तो मेरे 100-150 क्लिनिक थे भारत में अमेरिका में कनाडा में। तो भारत के राष्ट्रपति प्रारूपों पर
कि मैं राह देखा तो कुछ लोगों को देखा जो ठीक नहीं होते वो ठीक होने लगे। तो मैंने कहा तुम ठीक कैसे हो गए, तो जाती नहीं कहते हमने किसी को महात्मा था उनको हमें मंत्र दिया उससे हम ठीक हो गए। तो भेजें ये क्या मतलब, उसकी ढूंढ की, उसकी पूजा, उनसे पता लगा, उनके ऋषियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वेदों का ज्ञान हुआ। तो आज पूरे वर्ल्ड में जो डग रेमडी एक्ट था वो समाप्त हो गया है और भक्तों की शक्ति पूरी दुनिया को तो वो इलाज तो कुछ जाता ही नहीं। अभी यहाँ भारत में बीमारी आ गई है, हर बीज है 60% भाई बहनों को है, फंगस है, इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं। सभी डॉक्टर जिसके बारे में कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं, ये जाएगा, ये मृत्यु के साथ जाएगा। तो अमेरिका की, कनाडा की सरकारों ने जब देखा कि ये तो रोग चले गए, पहले तो मैं भूल जाता हूँ, या हमारे जो मंदिर के प्रधान हैं शीतल बेटी हैं उनकी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने जिस भाव से अनायास अचानक एक दिन में ये समागम हो गया ये कर दिया, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो संजीव जी हैं और वो भी बड़े बड़े ऐसे महात्मा थे, डॉक्टर थे, जो कहते हैं कि हम बड़े रोगों से पीड़ित हैं, हमारा अभी भी कई डॉक्टर है कि हमारा कोई इलाज नहीं हो रहा, हम खुद डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर उमरे जी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और खुद कहते हैं कि बोले मैं कितनी इसका डॉक्टर हूँ, आलिडे मेडिकल का मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और मैं पीजे चंडीगढ़ का भी हूँ, राष्ट्रपति के लिए प्रमुख में रहे। तो वो जो ऐसा रोग था, एक भी हजारों डॉक्टरों को वैज्ञानिकों को उन्होंने देखा कि तो ठीक हो गए, ये कैसे हो गए। तो मैंने कहा ये मेडिसिन है, ये मंत्र है, उनको मंत्र भी दे दिया, ये चिपलो और ये ग्रंथ में लिखा हुआ। तो उन्होंने मेडिसिन ली, जैसे जैसे बुरा किया उसको कोई लाभ नहीं हुआ। तो कहता है हमें तो फायदा नहीं हुआ, आपने बोला ठीक हो गए। तो मैं कहा आपने पूछा तो है नहीं, मंत्र तो आपने जप लिया एक बार, पर एक बार कहा लिखे एक बार जपना, इसका उत्कीर्ण करना है, परिहार करना है। जैसे सूरज की लाइट में शक्तियाँ है, तो सूरज के राख के आगे रख दो पानी गर्म नहीं होगा, तो ये होटल कहाँ से चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से चलेगी, ये इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेगी सूरज से, उसका कोई भी ज्ञान तो है ना। तो ऐसे माँ दुर्गा ने देवी भक्त में कहा है कि मैं ज्ञान हूँ, चाहे मैं देखता हूँ इस पुस्तक में लिखा होगा, जो भी जगत में है वो विज्ञान और ज्ञान मैं हूँ, इसके बिना आप संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी जो बाधा है, आपकी जो समस्या है, उसका कारण भी आपको नहीं पता। ये दुर्गा सरस्वती गीता प्रेस गोरखपुर की, इसका कोड नंबर है 1281। इसमें माँ दुर्गा ने कहा है, वेद का अथर्ववेद क्या है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, दुनिया को उत्पन्न करने वाली हूँ, और मुझसे प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मुझसे पैदा हुआ है, और मैं अनंत और अनंत रूपा हूँ, सारा अनंत हमें आ रहा है, ये माँ की कृपा से मिल रहा है। मैं विज्ञान और अविज्ञान, जो भी विज्ञान है, तुम्हारी सिस्टम है सारा, वो मैं हूँ, मैंने बनाया है, और अविज्ञान भी मैं हूँ, और अवश्य जाने योग्य ब्रह्म जो ब्रह्म है जिसे तुम जानने के लिए, वो भी मैं हूँ, उससे बढ़कर कुछ नहीं, और मैं नीचे ऊपर अगल बगल हूँ, चारों तरफ हूँ, आस पास हूँ। जैसे श्री गुरुसा ने लिखा है कि तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे दिखी फूट भरा। बहुत ही सत्कारयोग सुबह नीचे से भी लिया मंच पर विराजमान परमात्मा गुरु जी महाराज जी, मेरे सामने बैठे भक्तजनों, विशेष रूप से तुम्हारे आज के हमारे एमपी के सदस्य, मेरी मातृशक्ति, आप सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे टाइम में अगर तालियां बजानी तो जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। दरअसल विधानसभा को
गुरु जी के कार्यक्रम के अंदर आप बैठे हुए हैं। गुरुनाथ जी मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, गुरुदेव जी जितने लोग बैठे हुए हैं इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण होने की समस्याओं का हल हो, इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। ये सभी लोग आपके दर्शन करने के लिए इसलिए आए हैं, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए, इनकी जो समस्याएं हैं उनका हल होना चाहिए। कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा। मुझे याद है मैं शुरू को कि गुरु जी बीज मंत्र की बात कही तो उस बीज मंत्र की बात से मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। एक दफा गुरुदेव जी अमृतसर पहुंचे थे, मुझे याद है। तो मुझको कहा, उसमें मैं बिजी डॉक्टर था, रोलिंग प्रैक्टिस चल रही थी, तो मुझको लोगों ने कहा कि वहां पर एक गुरुजी आए हुए हैं, मंत्रों के द्वारा लोगों को ठीक कर रहे हैं। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्या मंत्रों से भी कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है? मैं मान नहीं सकता। एक समय ऐसा आया जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, शायद उस समय की बात है, या डिप्टी स्पीकर था तो उस समय की बात है। तो मैं अपने राउंड पर अपने मिसेज के साथ जा रहा था और मैंने सुना था कि यहाँ पर गुरु जी आए हुए हैं। मैंने कहा उनको मैसेज दीजिए कि हम लोग कहें डॉक्टर चावला आए हुए हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। गुरु जी का इंतजार करता रहा और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा अच्छा मिला दो। इन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और उस समय अकेले में बैठ करके ये भी कहना पूछना शुरू किया, आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कितने मरीज ठीक हो रहे हैं, कैसे हो रहा है, सारी बातें करते रहे। अंत में इनको पता चला कि ये डॉक्टर हैं, ठीक है। पर मैंने कहा गुरु जी मंत्र के द्वारा कैसे ठीक हो सकते हैं? तो कहने लगा लोग मंत्र के द्वारा ठीक हो रहे हैं। और मुझे याद है एक कार्यक्रम के अंदर मैं गया, उस कार्यक्रम के अंदर मैं ऐसे ही चुप कर करके बैठा रहा, लोग खड़े हो रहे थे, किसी की आंखें खराब थी कि मैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट था और डीआरडीओ मैंने किया हुआ था, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी था और जनरल प्रैक्टिशनर भी मैं था। तो सारी बातें मैं देख करके हैरान हो रहा था। एक के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मेरा नज़र जुकाम ठीक हो गया है, यहाँ तक कि मेरे पेट के अंदर जो स्टोन थे वो ठीक हो गए, कैंसर रोग ठीक हो गए। अनेकों बातों की मैं सुनकर के हैरान हो गया, पर मुझे विश्वास नहीं आया। और मैं एक बार नहीं एक दो कार्यक्रमों के अंदर गया, मैंने सोचा कुछ न कुछ बीज मंत्रों के अंदर बात तो अवश्य है। आप तालियों की गूंज के बाद इस बात का स्वागत करेंगे कि गुरु जी के द्वारा दिए हुए बीज मंत्रों के द्वारा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर था, चाहे ब्रेन कैंसर था, चाहे यूट्रस कैंसर था, चाहे ब्रोंकाइटिस था, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज मैं अपनी आंखों से ठीक होता लोगों को देखता रहा। कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, अगर सर पे गुरुदेव का हाथ हो तो तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। ये सिर्फ मैंने कहने के लिए नहीं कहा है, इसको मैंने साक्षात होते देखा है। इसमें दो पंक्तियां जो है कि अगर गुरुदेव का हाथ सर पे हो वो किस तरह होगा कि जब गुरुदेव आपसे कुछ कहते हैं, कोई मंत्र देते हैं और उसका तरीका बताते हैं कि आपने इस तरह से इसका उच्चारण करना है, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बहुत लाइटली लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द गोल्डन वर्ड होता है। वो ऐसे नहीं होता कि कहने के लिए कह दिया गया, इसके बहुत पीछे तप होता है, उस गुरुदेव का, उस गुरु का तप होता है, तब जाके उन शब्दों को उनके मुख से हमें सुनने का अवसर मिलता है। और आखिरी लाइन मैंने कही कि अगर गुरु का सर पे हाथ हो तो तकदीर किसी भी समय बदल सकती है। ये मैंने होते हुए देखा, ये कई बार किस्सा मैंने बताया भी है।
मेरे बेटे के साथ जो जो हुआ उसकी लाइफ में दुनिया के सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि ये डॉक्टर नहीं बन सकता, उसकी कुंडली देखिए डॉक्टर नहीं बन सकता। जब मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की तो गुरुदेव ने एक शब्द कहा कि बन तो नहीं सकता लेकिन इसे बनाना पड़ेगा। एक बार तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने गुरुदेव ने दो दिन बाद उसका एग्जाम था और गुरुदेव ने कहा कि ये मंत्र लो, ये बेटे को याद करा दो, वो छह प्रश्नों पे अटकेगा। दो दिन पहले बोला था ये दो छह प्रश्नों पे अटकेगा, ये मंत्र पढ़ना और जहाँ टिक कर देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं जहाँ टिक कर देगा वह सही हो जाएगा। मुझे बेसिकली उस समय मैं गुरुदेव की शरण में नया नया आया था, मुझे थोड़ा अविश्वास हुआ, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी मैंने कहा अगर गुरु की वाणी निकली है तो कुछ ना कुछ बात अवश्य होगी। मैंने बेटे को वो मंत्र याद कराया और जब उसको एग्जामिनेशन हॉल में लेके गया और वो जब एग्जाम देके निकला तो उसका मैंने पहला सवाल उसे ये पूछा था क्या हुआ, उसने मुझे कहा कि छह प्रश्नों का उत्तर नहीं आया मुझे। तो मैंने कहा क्या किया, बोले वो मंत्र है जो गुरुदेव ने दिया था मैंने याद कर लिया था, उसको नौ बार गुरुदेव ने कहा था एक मंत्र को नौ बार पढ़ना एक सवाल के लिए और टिक कर देना। तो मैंने कहा छः के छः प्रश्नों के उत्तर याद हैं तुझे, उसने कहा हाँ। तो जहाँ उसकी कोचिंग क्लास चलती थी हम लोग वहाँ गए और टीचर से पूछा कि ये छः प्रश्नों के उत्तर, बाकी पेपर तो ठीक है उसका लेकिन ये छः प्रश्नों के उत्तर जो है क्या ये सही है। जब टीचर को ये बताया गया तो टीचर ने कहा तो छः के छः सही है। धन्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुदेव का और शक्तिपीठ देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से और जलंधर वासियों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि गुरुदेव ने जलंधर को बहुत बड़ा उपकार किया है जो हमारी छोटी सी थोड़े से समय में हमें ये आयोजन का मौका दिया और जलंधर वासियों को यह आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया। हम काफ़ी देर से पीछे लगे हुए थे मगर गुरुदेव ने लुधियाना में हम लोगों की विनती को कबूल किया और आज ये जलंधर में जो गुरुदेव आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं हम लोग सभी जलंधरवासी और पंजाब वासी, क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, 2000 लोग तो मंदिर में रुके हुए हैं, कल से ही लोगों को आना शुरू हो गया था। मैं गुरुदेव चारों तरफ धर्मशाला है, होटल है, घर सब पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं। इसी तरह जी की कृपा से या आप आगे जो प्रश्न किए बड़े भवन है ये, इनके स्वागत में ताली मारो। ये भी गुरुदेव आपकी कृपा ही है, आज से 15 साल पहले आपने पहला समागम यहाँ किया था, उसके बाद भगवती माँ की इतनी कृपा हुई है कि लंगर हाल और ये 2-3 हज़ार लोगों के रहने का सारा इंतजाम आपकी ही कृपा से। आपने जब पहला आयोजन यहाँ पर किया था उस दिन से दुर्गा माँ की इतनी कृपा हुई है कि भी मंदिर आज वो पंजाब के पहले नंबर पे ये मंदिर आता है जिसका चढ़ावा और दान और इसकी जो प्रगति हुई है और जो आपकी प्रेरणा से हॉस्पिटल शुरू किया गया था वो भी आज 150 बेड का हॉस्पिटल गुरुदेव आपकी कृपा से ये हॉस्पिटल प्रबंधक कमेटी को आपके आशीर्वाद से बनाने का मौका मिला। गुरुदेव एक बार फिर आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपने फिर जल्द जलंधरवासियों को फिर मौका देना है, जिस वक्त भी आप का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा जलंधरवासियों को हमारी विनती आप कबूल कीजिए, फिर भी जब भी आपके पास
आप बहुत व्यस्त हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जलंधर को भी एक आप विशेष दर्जा दीजिए। इसके लिए फिर मेरी एक प्रार्थना आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुमा, जय गुरुदेव, जय गुरु। बठिंडा में रेड क्रॉस सोसाइटी और यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बठिंडा के सिविल अस्पताल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बठिंडा और विधायक जगरूप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर विधायक जगरूप सिंह गिल ने जहां सोसाइटियों के इस कार्य की प्रशंसा की, तो वहीं डिप्टी कमिश्नर की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के प्रयासों से रेड क्रॉस बठिंडा दिन प्रतिदिन बुलंदियों की ओर जा रहा है, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। तो वही डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उनकी ओर से रेड क्रॉस के माध्यम से जहां गूंगे और बहरों का स्कूल चलाया जा रहा है, तो वहीं उनकी ओर से बठिंडा के सिविल अस्पताल के अंदर डायलिसिस सेंटर और लोगों को निशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने बठिंडा जिले की समाज सेवी संस्था का भी विशेष तौर पर धन्यवाद किया। और नाल फैलेशनिम डे है, जिहड़ियां इत्थे भी सोसाइटी रहियां ने, खास तौर दे उत्ते बहुत इंपलाई रेड क्रॉस दे पत्रकार वीरां ने और उन्हां सोशल वर्कर ने अज खूनदान कीता, जिहड़ा सुनेहा दिंदा है कि मनुख नूं मनुख दा खून बहाउण दी थां खूनदान करना चाहीदा, जिहड़ा बहुत सारियां जिंदगियां नूं बचाउंदा है। और इह सानूं इस गल्ल वल इशारा करदा है कि संसार दे विच शांति स्थापित करन दे लई खून बहाउण तो ग्रेज करके खून दान करना चाहिए। खून किसी भी धर्म मजहब नूं नहीं देखता, किसी भी व्यक्ति का खून किसी नूं लग सकता, उहदी जान बचाउण वो सहाय हो सकता। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के जिहड़े सर्वे सर्वा ने डिप्टी कमिश्नर श्री रियात सरपरे जी, जिहड़े हमेशा तत्पर रहिंदे ने, जिन्हां दी छत्र छाया थले बठिंडा रेड क्रॉस सोसाइटी है जिहड़ी, वह बहुत अगे वधी है, क्योंकि इत्थे पहलां जिहड़ियां डायलिसिस मशीनां भी दित्तियां, एम्स दे विच भी मदद कीती गई, कैंसर हॉस्पिटल भी मदद कीती गई। अज दा जिहड़ा दिहाड़ा हैगा ये अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है, तो आपां इत्थे जिले विच भी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफों अज दा दिन जिहड़ा हैगा वह मना रहे हैं। तो जिवें आपां सारे जानते हैं कि जे रेड क्रॉस जिहड़ा हैगा इहदा बहुत ही बहुमूल्य योगदान पाया है, जितने भी जिहदी शुरुआत ही की है वह इस तरीके की बनी हुई है कि जे सब तो ज़्यादा पीड़ित किसी भी तरीके की तकलीफ भी जिहड़े सीगे उहदे लई ये सोसाइटी जिहड़ी हैगी है वह बनी हुई सी। इहने वक्त वक्त जिस तरीके के बीमार के हुए ने, चंगे हुए ने, उहदे विचों पक्षपात किहड़ी पार्टी कौन सा वाला देश, वह सारे नूं उपर छड़ते हुए जिहड़ा व्यक्ति जिसनों तकलीफ सीगी उसनों तकलीफ दूर करन दे लई ये सोसाइटी जिहड़ी हैगी है वह बनी हुई सी। ते आपां उसी जिहड़ा वो मंतव है उहनूं लेके ही आपां जिले पद्धर ते भी रेड क्रॉस सोसाइटी के एम्स ऑब्जेक्टिव्स नूं ध्यान विच रखते हुए आपां इत्थे काम कर रहे हैं। तुसीं वेख्या भी होना कि आपने काफ़ी सारे रेड क्रॉस की तरफों जिहड़े अपने काम चलाए जाने, डेफेंडम स्कूल चलाया जाता जिहदे ऑलमोस्ट हर साल 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। आपां ये ब्लड बैंक जिहड़ा हैगा ये सारा चला रहे हैं। उस तो बाद अपने कोल कुछ जिहड़े छोटी नवजात बच्चियां दे, तुहानूं पता भी हैगा इत्थे फीमेल फीटिसाइड है, उहदे लई अपने कोल एक स्पैशल प्लेस तो कोई बच्चा उत्ते छड़ के जाता है, तो मैंने लगता 50-60 बच्चे उस तो भी आप जो अजे तक उन्होंने जिंदगी जी है कि वो बचाई है। श्री हरिमंदर साहिब के नज़दीक लगातार हुए 2 धमाकों की श्रोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि विरासती मार्ग में पर हुए धमाके श्रद्धालुओं को डराने की साजिश है और शांति भंग करने की चाल चली जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक धमाका परसों आया, एक अज सवेरे तकरीबन 6:30-7 बजे के लगभग सारागढ़ी पार्किंग लागे होया, जिहड़ा परसों धमाका है वह भी सारागढ़ी पार्किंग लागे होया। इंज लगता है कि कोई पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि जिहड़ा पंजाब का माहौल आपसी भाईचारा आ वो कायम रहे। मैं संगतों को अपील करदा कि पंजाब का माहौल बहुत वधिया आ, आपसी भाईचारा कायम है, इहनूं तोड़न दीआं जिहड़ियां साजिशां रच रहे ने वो इन्हां हरकतां तों बाज आ जाण, क्योंकि पंजाब ने बहुत संताप हंडाया ते बड़ियां मुश्किलां बाद बड़ियां तशद्दुद झल के, कईआं ने तशद्दुद भी झले आ, कईआं ने कुरबानियां भी दित्तियां ने, बड़ियां कुरबानियां तों बाद पंजाब दा माहौल जिहड़ा वो ठीक होया है। त
तो इनू जी लंबू लाने की कोशिश कर रहे हैं जे अंसर उन्होंने मैं ताड़ना करदा कि वो इन हरकतों पर आ जा। मैं पुलिस प्रशासन को बेनती करदा कि अजय अंसर तुरंत गिरफ़्तार करे, जेकर वो प्रशासन नहीं कर सकता तो जे कोई साढ़े काबू आ गया तो फिर वह असर जो बहुत माड़ा होगा, क्योंकि असी कभी भी जोड़ा पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि ये रस्ता जोड़ा वो सचखंड श्री हरिमंदर साहब ना उस रस्ते लगातार दो दिन धमाके करके वो संगतों को डराने की कोशिश की जा रही है। मैं संगतों को अपील करदा कि वो किसी भी भड़काड़ ना आन। बरनाला पुलिस ने 55,000 प्रतिबंधित गोलियां, 450 शीशियां और डिजायर कार समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएसपी सिटी सतबीर सिंह बैंस ने बताया कि एसएसपी संदीप कुमार मलिक के निर्देशों पर पुलिस ने नशा तस्करों को दबोचने के लिए पुलिस की टीम गठित की थी, जिसके चलते पुलिस ने मलकीत सिंह उर्फ लक्खी, मनी सिंह मीना व बॉबी सिंह निवासी बरनाला को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 55,000 प्रतिबंधित गोलियां व 450 प्रतिबंधित शीशियां, डिजायर कार समेत बरामद की। पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ में पता चला है कि वे नशीली दवाएं व शीशियां राशिद निवासी यूपी से लाए थे। पूछताछ के बाद पुलिस ने राशिद निवासी मुस्तफाबाद मोहल्ला कंचन पार्क लोनी देहात जिला गाजियाबाद यूपी को स्कॉर्पियो गाड़ी सहित काबू करके उसके कब्जे से 920 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। दूसरे मामले में पुलिस ने बब्बू सिंह निवासी शेरमाशरा जिला पटियाला व मनदीप सिंह निवासी बिजलपुर जिला पटियाला को स्कॉर्पियो सहित काबू करके उनके कब्जे से 1,50,000 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की, जिनसे पूछताछ में पता चला कि यह प्रतिबंधित गोलियां रजनी निवासी बिजलपुर आप जाकर दिल्ली से किसी से लेकर आती थी व आगे उसने सोनू निवासी बरनाला को देनी थी, जिसके बाद पुलिस ने सोनी सिंह व रचनी को नामजद किया व उनको गिरफ्तार करके उनके पास से 22,000 ड्रग मनी बरामद की। तीसरे मामले में उन्होंने बताया कि पुलिस ने शंकर सिंह निवासी गांधीनगर रामपुर से 2,000 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। चौथे मामले के बारे में उन्होंने बताया कि पुलिस ने युद्धवीर सिंह उर्फ छोटा ढोली व हासिफ से 610 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। उन्होंने कहा कि युद्धवीर सिंह उर्फ छोटा ढोली के खिलाफ पहले 8 केस दर्ज हैं। पांचवें मामले में बारे में उन्होंने बताया कि पुलिस ने लाली कौर से 18 बोतल शराब ठेका देसी बरामद की। इसके पहले भी लाली कौर के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। छठे मामले में उन्होंने बताया कि पुलिस ने पिंकी सिंह को गिरफ्तार करके उससे 18 बोतल शराब ठेका देसी बरामद की। उन्होंने कहा कि पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ जारी है ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों को भी पुलिस पकड़ सके। इस अवसर पर डीएसपी मानवजीत सिंह सिद्धू, डीएसपी करण शर्मा, सीआईए स्टाफ के इंचार्ज बलजीत सिंह, थाना सिटी 2 बरनाला के प्रभारी गुरमेल सिंह, सीआईए स्टाफ के गुरबचन सिंह, सीआईए स्टाफ के शरीफ खान सहित अन्य पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सब तो पहला तो मुकदमा नंबर 580/22 थाना सिटी बरनाला, जिदे चार दोषियों पासों 55,000 गोलियां की उदों रिकवरी हुई सी। उन्हां दोषियों की पुछगिछ दौरान एक दोषी जिन्हां दे पासों वो जिहड़ा नशा जिहड़ा लैके आउंदे सी राशिद वासी लोनी उत्तर प्रदेश जिहड़ा नामजद किया गया सी, इहनूं हुण गिरफ़्तार किया गया। इहदे पासों एक स्कॉर्पियो गड्डी ते 920 नशीलियां गोलियां बरामद कीतियां गईआं ने। ये जिहड़ा राशिद दोषी है इहदे उत्ते पहलां भी एक मुकदमा NDPS एक्ट का दर्ज है। इस तरह मुकदमा नंबर 7/2023 थाना सदर बरनाला, जदों इहदे विच दो दोषियों गिरफ़्तार करके 1.5 लाख गोली नशीली जिहड़ी रिकवर की गई सी। उन्हां दोषियों की पुछगिछ दे उत्ते दो दोषियों नूं फरदर बैकवर्ड लिंकेज ते काम करदिआं नामजद किया गया सी, जिन्हां विच रजनी वासी पटियाला ते सोनू सिंह वासी बरनाला नूं नामजद किया गया सी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रीतम टेक्सटाइल के मालिक सरबजीत सिंह, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरुद्वारा 9वीं पातशाही दुख निवारण साहिब GTB नगर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय सरबजीत सिंह की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर पूर्व विधायक KD भंडारी सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सरबजीत सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की।
अपनी माता जी का पूरा ख्याल रखना। माँ एक चीज मंगे तो दो चीजा पेश करूँगा तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अपनी भैन का पूरा सत्कार करना मैं उन्होंने महसूस ना हो सा पाप सिर कर तेरी जिम्मेवारी बहुत बन गई है। तुम बहुत वधिया परवा रहो प्रीतम टैक्सटाइल का नाम है साढ़े शहर के इस करके उस नाम आप बरकरार रखना मैं जो दादा जी ने पूरने पाए है तो पिता जी ने पूरने पाए है वो पर कोई ठेस ना पहुंचे। मैं सारे पंजाब वालों एसोसीएशन वालों भी अपने छोटे भरा श्रद्धा के फूल भेट करता मैं अपने परिवार वालों और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वालों भी हमारे के अरदास करूँगा मेरे छोटे भरा अपने चरणों के निवास दे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। बठिंडा के संतपुरा रोड पर ओवरब्रिज के नज़दीक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑटो में हुई जबरदस्त टक्कर, दो की मौत तीन घायल। अमृतसर की रामनगर कॉलोनी में लूट की नीयत से आए चार व्यक्तियों ने एक नौजवान पर चलाई गोली, हुई मौत। कुराली के नजदीकी गांव नंगल सिंगा में एक कलयुगी बाप ने घरेलू कलह के चलते अपने दो बच्चों को दिया जहर, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।